हेलो गुड मॉर्निंग जोहर, मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो तय करें तारीख व मुद्दे, लेकिन ना करें एमएसपी पर नई मांग। 3 नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को सरकार ने वार्ता के लिए फिर से आमंत्रित किया है, लेकिन यह साफ किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित ऐसी किसी मांग को जो एजेंडे में शामिल करना उचित नहीं होगा जो नए कृषि कानून के दायरे से परे हो। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखे 3 पन्नों के पत्र में जो कहा है कि प्रदर्शन समाप्त करने के लिए सरकार सभी मुद्दों पर खुले मन से चर्चा को तैयार है। कृपया अगले दौर की जो है वार्ता के लिए जो है तारीख व समय बताएं। सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले 5 दौर की बात का जो है अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। दिल्ली की सीमाओं पर 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं इधर 3 कृषि कानून की वापसी की मांग करते हुए राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए और इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज झारखंड के 22,50,000 किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान के 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान योजना की तीसरी किस्त के रूप में झारखंड के 22,50,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपये 25 दिसंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर देश के जो है 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये की राशि डेबिट के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। इस कड़ी में राज्य के 22,50,000 किसानों के खाते में यह राशि जाएगी। बता दें कि झारखंड में पीएम किसान के तहत रजिस्टर्ड किसानों की संख्या करीब 32 लाख तक पहुँच चुकी है। हालांकि इन सभी किसानों की जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल इतने ही किसानों के खाते में यह राशि भेजी जा रही है। इसमें पहली और दूसरी तीसरी किस्त पाने वाले किसान शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि तापमान बढ़ा, ठंड से मिली थोड़ी राहत। रांची और आसपास के जिलों में गुरुवार को न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के कारण कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिली है। गुरुवार को रांची और आसपास के जिलों का तापमान जो है 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जो है 25 और 26 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा और 27 से 30 दिसंबर तक आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे जो है न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि दर्ज हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से फास्टैग अनिवार्य होगा। गडकरी, वाहनों के लिए जो है 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। फास्टैग रोड प्लाजा पर जो है शुल्क भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो झारखंड में गुरुवार को कोरोना के 177 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा 78 संक्रमित रांची से मिले हैं। वही जो है रांची में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक जो है 1016 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में जो है कुल 113,786 संक्रमित मिल चुके हैं। इसमें से 111,000 जो है 175 की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ चुकी है। नए संक्रमितों में बोकारो से 17, चतरा से 1, देवघर से 7, धनबाद से 9, दुमका से 3, पूर्व सिंहभूम से 24, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 2, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 1, खुट्टी व लोहरदगा से 3, पलामू से 5, रामगढ़ से 7, रांची से 78, सिमडेगा से 5 और पश्चिम सिंहभूम से 4 संक्रमित मिले हैं। वहीं गुरुवार को 213 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रश्मि रॉकेट को भाया रांची। तापसी ने कहा कि वर्ल्ड क्लास से यहां का टैग और स्टेडियम लिट्टी चोखा का भी जवाब नहीं। सीएम हेमंत सोरेन बोले शुक्रिया। एक्ट्रेस जो है तापसी पन्नू की फिल्म जो है रश्मि रॉकेट की शूटिंग जो है रांची में पूरी हो गई है। 4 दिनों तक उन्होंने रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम और खेलगांव में शूटिंग की। जाने से पहले उन्होंने रांची की खूबसूरती और यहां की सुविधाओं की जो है जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि रांची में शूटिंग का अनुभव बेहद ही जो है शानदार रहा। उन्होंने कहा कि जो जितना खूबसूरत रांची है उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का लिट्टी चोखा है, मैं फिर आना चाहूंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वीडियो से झारखंड में बवाल। सीएम हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगा चुकी मॉडल बोली, बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी नेता डरा धमका रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े 7 साल पुराने एक मामले ने प्रदेश की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। मुंबई रेप कांड की जिस पीड़ित मॉडल को न्याय दिलाने की बात बीजेपी नेता करते आ रहे हैं, उसी ने जो है सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बीजेपी के 4 नेताओं पर डराने धमकाने का आरोप लगाया है। 38 सेकंड की इस वीडियो में मॉडल ने आरोप लगाया है कि उसे डराया धमकाया जा रहा है। उसने जो इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी की है। वीडियो में वह आरोप लगा रही है कि उसके बारे में सोशल मीडिया पर गलत लिखा जा रहा है। अगर उसे कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी के नेता जो है बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और जो है जहूर आलम जिम्मेदार होंगे। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, सीएम केस दर्ज करवाकर जांच करा ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो बोला, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा हो गया बेनकाब।
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा आज लोगों के सामने बेनकाब हो गया है। इसके साथ ही भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी व सांसद नीतिकांत दुबे का वास्तविक चेहरा व चरित्र भी उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों व्यक्ति चरित्रहनन के जिस स्तर पर उतर आए हैं, आज सभी को उनका व्यक्तिगत चरित्र जानने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रथम वर्ष के जो कार्यकाल में दोनों नेताओं के में हताश और मानसिक पराजय का निर्माण हुआ है। इनके द्वारा श्री सोरेन पर लगाए गए जो अनगरन आरोप जो है चरित्र हनन व पड़ेतंत्र है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को आज अपने सहयोगियों के चरित्र और जो है सब आकलन करना चाहिए। एक युवती को डराना, धमकाना, बरगलाना व प्रलोभन देकर उसकी इज्जत और आबरू से खेलना जघन्य अपराध है। यह समाज में कभी भी क्षमा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को याद रखना चाहिए कि झामुमो ने कभी भी उनके जो वास्तविक चरित्र की जो है सार्वजनिक तौर पर आलोचना नहीं की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 25 से 27 दिसंबर तक बैंक रहेंगे बंद। बैंकों में 25 से 27 दिसंबर तक अवकाश रहेगा। शुक्रवार को क्रिसमस के कारण बैंकों में सार्वजनिक अवकाश है। वही जो चौथे शनिवार होने के कारण इस दिन ब्रांच में ताले लटके रहेंगे। इसके अगले दिन रविवार को छुट्टी है। हालांकि अवकाश में बैंक ने ATM में केस भरने की तैयारी करने की बात कही है। इसके जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के अलावा बैंकों के कर्मचारियों की स्पेशल टीम तैयार की गई है ताकि लोगों को नकदी निकासी में कोई दिक्कत ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के पिकनिक स्पॉट पर तैनात किए गए स्टैटिक फोर्स। पुलिस ने लोगों को दी है ये सलाह। दिसंबर महीने का आखिरी सप्ताह आ चुका है। लोग नए साल के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। पर्यटन और पिकनिक स्पॉट पर भीड़ उमड़ने लगी है। इसे देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्याप्त संख्या में जो है स्टैटिक फोर्स प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट भी लगा दिए गए हैं। SSP सुरेंद्र कुमार झा ने सभी थानेदारों को उनके इलाकों के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी जो है पार्कों, डैम, पर्यटन स्थलों के इर्द गिर्द स्टैटिक फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। जोना फोल, हंड्रू फोल, दसम फोल, रॉक गार्डन, पतरातू घाटी सहित अन्य जो है पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी। नए साल में मिल सकता है साप्ताहिक अवकाश। काम के जो है बोझ तले दबे झारखंड के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। नए साल से उन्हें साप्ताहिक अवकाश देने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि नए साल में जो है थाना में प्रतिस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन जो है स्टेशन के आधार पर अवकाश मिल सकता है। जिन लोगों को अवकाश मिलेगा उनमें से इंस्पेक्टर से लेकर जो है आरक्षी रैंक तक के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इस अवकाश का उपयोग पुलिसकर्मी अपने जो है निजी काम, मनोरंजन, योगा, पारिवारिक काम कर सकेंगे। हालांकि अवकाश का मतलब पूरी तरह से जो छुट्टी नहीं होगा। बताया गया कि विधि व्यवस्था की समस्या होने पर विशेष परिस्थिति में उन्हें कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। यह निर्देश जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है अलग अलग थानों के थानेदारों से बातचीत करने और उनकी समस्या के बारे में जानकारी लेते हुए जो है प्रभारी DGP ने सभी जिलों के SP को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उग्रवादियों के खिलाफ अभियान। TSPC का एक उग्रवादी गिरफ्तार। कोयला व्यवसायी और झामो नेता की हत्या का है आरोप। जो उग्रवादियों के जो है सफाई के लिए चतरा SP द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं दिशा निर्देश पर पुलिस ने TSPC के एरिया कमांडर आदेश गंजू को धर दबोचा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे चतरा जेल भेज दिया है। आदेश गंजू कोयला व्यवसायी और जो है साबिर अंसारी और झामो नेता मदन साहू हत्याकांड में शामिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश की पहली जो है ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत 28 दिसंबर से। PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। देश की जो है पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की सेवा की शुरुआत 28 दिसंबर से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली मेट्रो की जो है जनकपुरी वेस्ट टू जो है बोर्ड निकल गार्डन पर जो है देश की पहली जो है ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत होगी। इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में 5,000 रुपये घूस लेते पंचायत सेवक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धर दबोचा है। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ने गुरुवार को गढ़वा जिले के बिशुनपुर प्रखंड के जो है सारांग पंचायत के पंचायत सेवक संजय गुप्ता को 5,000 रुपये घूस लेते धर दबोचा है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम उसे जो है गिरफ्तार कर पलामू ले गई है। पंचायत सेवक द्वारा जो है कूप निर्माण योजना में 5,000 रुपये घूस लेने की मांग की गई थी। उसे जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कुप जो है निर्माण के लाभुक सुनील यादव से जो है बिल पास कराने के नाम पर 12,000 रुपये जो है बतौर घूस मांगी गई थी। इसमें 5,000 रुपये जो है अग्रिम के तौर पर जो है देने था। इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई। जैसे ही जो है सुनील यादव ने पंचायत सेवा को रुपये दिए एंटी करप्शन के ब्यूरो ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा है।